स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, फिर हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स में हमने पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड आर इनको हम सिंपल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो सिंपल इंडेक्स नंबर हमने पढ़ा था कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल इंडेक्स नंबर को हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर एक आ गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा आ गया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसी तरह से वेटेड इंडेक्स नंबर को भी हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर आप जानते हैं, मैंने कहा था कि एक ऐसा टेक्निक है, मेथड है, जिससे हम दो डिफरेंट पीरियड्स के बीच में चेंजेस ओवर प्राइस, क्वांटिटीज, प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का डिफरेंस जो है उसको चेंज, तब्दीली में मेजर कर सकते हैं इंडेक्स नंबर की मदद से। तो वेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं तो वो इंडेक्स नंबर जिसमें हम डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के जितने भी आइटम्स उनको हम वेट्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर निकालते हैं, जिसको बोलते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेट कैसे प्रोवाइड करते हैं वो आइटम पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे आइटम्स की इंपॉर्टेंस है वैसे उसको वेट प्रोवाइड किया जाता है। तो वेटेड इंडेक्स नंबर को भी हम दो तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नंबर एक है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और दूसरा है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से। इन दो तरह से हम वेटेड इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से हम कैसे इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जो है इसको बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड को क्या बोलते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव कैसे हम इसका जो है इंडेक्स नंबर कंडक्ट करते हैं, इसमें हम वेट प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट आइटम्स को ऑन देयर इंपॉर्टेंस, फिर उसका प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, प्राइस रिलेटिव के बाद उसका मीन निकाल लेते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो आगे कैसे करते हैं इसको, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप जो है इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, प्राइस रिलेटिव निकालना है। कंप्यूट प्राइस रिलेटिव्स ऑफ गिवन आइटम्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। प्राइस रिलेटिव कैसे निकालना है, हमने प्राइस रिलेटिव को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और प्राइस रिलेटिव निकलता है पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। ये आ गया प्राइस रिलेटिव। क्योंकि हमने पहले लेक्चर में आपको
बताया था कि पी वन हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर, पी जीरो हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर, आर हो गया प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव निकालना है कैसे, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड। इसको एक हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, पहले मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप वन है, फिर निकालना है स्टेप टू। फिर हमने क्या करना है, ये जो प्राइस रिलेटिव हमें मिल जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई प्राइस रिलेटिव सो ऑब्टेंड बाय बाय द गिवन वेट्स एंड फाइंड आर डब्ल्यू, मल्टीप्लाई प्राइस रिलेटिव सो ऑब्टेंड बाय द गिवन वेट एंड फाइंड आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू का मतलब हो गया रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई वेट, कॉरस्पॉन्डिंग वेट। उसके बाद हमने निकालना है नेक्स्ट स्टेप जो है, स्टेप थर्ड जो है, फाइंड द सम एज समेशन ऑफ आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू का हमने सम निकाल देना है, फिर फाइंड द सम आर डब्ल्यू एंड समेशन ऑफ डब्ल्यू। फिर हम लिखेंगे स्टेप नेक्स्ट जो है, अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ, टू कैलकुलेट द वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर वेटेड इंडेक्स नंबर पी जीरो वन दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। अगर हम इसको ऐसे लिखें, समेशन ऑफ पी वन अपॉन पी जीरो आर इंटू चलो इतना ही लिखते हैं, फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आर हमने निकाल लिया है। आर कैसे निकालना है हमने, आर इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड। तो ये आ गया प्राइस, ये आ गया वेटेड इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो इस तरह से हम जो है वेटेड इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा के और ये डिफरेंट स्टेप्स इस्तेमाल करके। तो इसी को हम एक क्वेश्चन से समझेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको।
question is from the following data. Compute from the following data, compute weighted index number for the year 2015 with 2005 as base year. मैंने आपको कहा कि इंडेक्स नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम दो टाइम पीरियड्स लेते हैं, एक को बोलते हैं करंट ईयर, दूसरे को बोलते हैं बेस ईयर। 2015 आ गया हमारे पास करंट ईयर, 2005 आ गया बेस ईयर, जिसके मुकाबले यानी 2005 आ गया बेस ईयर के साथ हम जब कंपेयर करते हैं प्राइसेस को, क्वांटिटीज को, प्रोडक्शन को, कोई भी चीज़ को 2015 के मुकाबले में, तो कितनी उसमें चेंज आई है, कितनी उसमें तब्दीली आई है, उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर, तो हमारे पास दिया हुआ है, मैं सीधे सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ इसको। हमारे पास दिया हुआ है कमोडिटी फिर आ गया वेट W प्राइस P0 यानी 2005 प्राइस रुपीस इन करंट ईयर दैट इज 2015। अब हमने निकालना है R दैट इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर हमने निकालना है RW कमोडिटीज आ गए हमारे पास वीट राइस पल्सेस मिल्क ऑयल शुगर साल्ट। वेट आ गया इसका 4673। प्राइस 2005 में आ गया 431। प्राइस आ गया करंट ईयर में 15 16 10 4 6 6 2। ये हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास ये फॉलोइंग डेटा ये दिया हुआ है, इससे हमने निकालना है वेटेड इंडेक्स नंबर बाय सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से। तो यहाँ तक आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, आगे हमने नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो था हमने निकालना है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव यानी आर कैसे निकालना है, हमने प्राइस रिलेटिव आर आ गया P1 अपॉन P0 इंटू 100। हमारे पास आ गया यहाँ पर P1 आ गया ये और P0 आ गया ये, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इन बेस ईयर, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इन करंट ईयर। ये आ गया डिफरेंट रेट्स अलॉटेड टू द दिस डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज, इनको अलग अलग से वेट दिया गया, जैसे वीट को 10, राइस को वीट को 15, राइस को 10, पल्सिस को 5, मिल्क को 4, ऑयल को 6, शुगर को 7, साल्ट को
थ्री ये वेटेज दी हुई है। अब हमने सबसे पहले निकाला प्राइस वेटेज, पहले निकाला हमने पी वन अपान पी जीरो इंटू हंड्रेड, पी वन अपान पी जीरो 15/10 जरबे 100 दैट इज इक्वल टू 15 150। इसी तरह से 16/8 मल्टीप्लाइड बाय 100 यह आ गया 200, 10/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 200, फिर आ गया 4/2 इंटू 100 तो ये भी आ गया 200, 6/4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 150, 6/3 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 200, 2/1 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 200। ये आ गया हमारे पास प्राइस रिलेटिव। तो ऐसे निकालना हमने ये जो प्राइस रिलेटिव है कि P1 अपान P0 कॉरस्पॉन्डिंग, ये नहीं कि ये वाली प्राइस लेंगे और इसको हम P0 की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, नहीं, अपने अपनी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ इनको कंपेयर करना है और प्राइस रिलेटिव निकालना है। उसके बाद हमने निकालना है RW मीन्स R मल्टीप्लाइड बाई W, R मीन्स प्राइस रिलेटिव आ गया हमारे पास, W आ गया वेट। अब इसको करेंगे 15 × 150, ये आ जाएगा 2250। इसी तरह से नेक्स्ट 200 100 800, फिर आ जाएगा ये 900, फिर 1400, फिर आ गया 600। टेन इंटू 200 2000, 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, 15 × 6 = 90, 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6। और फिर हमने निकालना है समेशन ऑफ RW दैट इज इक्वल टू 8950। इसको जब हम सम करेंगे ये आ गया समेशन ऑफ RW दैट इज इक्वल टू 8950। इसी तरह से सम हमने ये भी निकालना है समेशन ऑफ W दैट इज इक्वल टू 15, 10, 25, 30, 34, 40, 47 और 3, 50। अब हमारे पास RW भी आ गया है, W भी आ गया है, अब हमने निकालना है वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर P0 दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ RW अपॉन समेशन ऑफ W दैट मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू समेशन आ गया ये 8950 बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 उस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी, बस ऐसे निकालना है। हमने 100 वाला काम कर दिया है, वो यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, अब कोई 100 वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे इसको डिवाइड कर देना है। जब इसको डिवाइड करेंगे 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 5, 9 = 179, तो वेटेड इंडेक्स नंबर आ जाएगा 179। 179 का मतलब हो गया, तो मैंने हमने पहले भी कहा था कि जो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है वो किसके बराबर लेते हैं, 100 के बराबर, किसके बराबर लेते हैं 100। अब ये करंट ईयर में प्राइस आ गई 179, इसका मतलब हो गया कि 79% इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में एज कंपेयर टू द
बेस ईयर 2005 में प्राइसेस 100 थी और 2015 में प्राइसेस जो है 179 हो गई। इसी तरह से अब नेक्स्ट मेथड जो है इसका वेटेड इंडेक्स नंबर जो है दूसरा मेथड जो इसका निकालने का यह आ गया वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड इसमें क्या करते हैं, हमने कहा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जो है कि डिफरेंट आइटम ऑफ द सीरीज को हम यहाँ पर भी वेट प्रोवाइड करते हैं और फिर उसका जो है वेटेड इंडेक्स नंबर निकालते हैं। कैसे इसमें वेटेड इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है 11th में वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए तीन मेथड दिए हुए हैं। एक है लास्ट पेयर्स मेथड, लास्ट पेयर्स मेथड, दूसरा आ गया पास्ट मेथड, तीसरा आ गया फिशर्स आइडियल मेथड। ये डिफरेंट मेथड हैं जिससे हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से यानी वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेटेड इंडेक्स नंबर सबसे पहले आ गया लास्ट ईयर मेथड। लास्ट ईयर मेथड में क्या करते हैं, जो क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं बेस ईयर में क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम्ड इन बेस ईयर इसको हम W के बराबर ले लेते हैं। वेट्स किसके बराबर लेते हैं, जो क्वांटिटी कंज्यूम जो होती है बेस ईयर में क्वांटिटी कंज्यूम की जाती है। इसमें जो है क्वांटिटी कंज्यूम्ड करंट ईयर वाले का वेट्स लेते हैं पास्ट मेथड में और फिशर मेथड जो है इसमें बोथ पास्ट मेथड और लास्ट ईयर्स मेथड को इस्तेमाल करके इस इंडेक्स नंबर निकालते हैं। तो इस हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इस तरह से हम वेटेड इंडेक्स नंबर जो है कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।